हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू ट्रिक लेके आई हूँ। देखिए, ये स्वेटर मैं पहले बना चुकी थी और बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। मैं आपको इसके सारे पार्ट्स डाल चुकी हूँ, कैसे ये बुनती डलती है, किस तरह से है जो गला बनता है, कैसे बॉर्डर, हर चीज़ डिटेल में मैंने आपको बताई है एक वीडियो में। तो इस स्वेटर में एक प्रॉब्लम ये हुई कि जिसको मैंने स्वेटर बनाई उनको ये बॉर्डर आ गया लूज़। तो उन्होंने बोला कि मुझे है जे 1 से 1.5 इंच ये कम चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने है जो ये बॉर्डर यहाँ से इसको घर निकाल के ऊपर से नीचे को मैं बना रही हूँ। तो इसमें थे पहले 112 घर, तो अब मैं रख रही हूँ इसमें 100 फंदे। तो देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि 1.5 इंच ये यहाँ से घट जाएगा और 1.5 इंच है जो ये वाली साइड घट जाएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी, ये तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ घर उठा के, तो मैं इस साइड से है जो फंदे उठा रही हूँ। देखिए, ये फंदे कैसे उठते हैं और ये बॉर्डर कैसे मैं इसको यहाँ से कटिंग कर दूंगी और कैसे ऊपर से नीचे को मैं बनाऊंगी, तो आज मैं आपको ये बताती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसमें है जो फंदे उठा रही हूँ, तो आप क्या कीजिए, ऐसे ही हर एक लाइन में से एक एक फंदा इस तरह से उठाइए और जितने फंदे इसमें है टोटल ये फंदे हमने उठा लेने हैं। और फिर है जो एक धागा यहाँ से निकाल के ये नीचे का पोर्शन अलग निकल जाएगा। फिर हम ऊपर से नीचे को बनाते हुए इसमें कुछ घर घटा देंगे बीच बीच में। फिर मैं इसमें 100 फंदे पूरे कर लूँगी और 100 फंदे पूरे करने के बाद फिर मैं दोबारा से इसमें बॉर्डर बनाऊँगी और फिर नीचे घर बंद कर दूँगी। तो आप भी, यदि आपकी स्वेटर में भी कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो आप इस तरह से ये ट्रिक अपना कर अपने स्वेटर को कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो ये बहुत सबसे आसान तरीका है कि ऐसे घर उठा लीजिए, यहाँ से धागा खींचिए, अगर धागा नहीं निकलता आपसे तो इसकी कटिंग कर लीजिए सीजर से, एक लाइन नीचे से इसकी कटिंग कर लीजिए और फिर इस तरह से जो ये बॉर्डर साइड में हो जाएगा। फिर ऊपर से नीचे बनाते हुए कि जितने फंदे हमें चाहिए, जैसे मैंने इसमें है जो 10-12 फंदे बीच बीच में घटा देने हैं, तो फिर ये हमारा बॉर्डर कम्प्लीट हो जाएगा। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, मैं एक धागा निकाल के इसको इस तरह से है जो मैं इसको खींच रही हूँ। देखिए, इस तरह से आप एक थ्रेड निकालिए, उसको इस तरह से खींचिए और इसको तोड़ दीजिए। देखिए, ऐसे मैं इसको, देखिए ये ऐसे निकल जाता है इस तरह से, और इस तरफ से भी है जो मैं इसको ऐसे खींच के इस थ्रेड को ऐसे निकाल दूँगी। तो ये देखिए किस तरह से है जो हमारा ये बॉर्डर हो जाता है अलग। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा बॉर्डर ये निकल जाएगा और ऊपर की है जो एक दो सिलाई बचती है इसको हम अच्छे से उधेड़ लेंगे और नीचे का हम इसको अलग कर देंगे। तो ये सबसे आसान ट्रिक है हमें अपना। अगर कोई भी स्वेटर छोटी पड़ रही है बीच से भी या कहीं से, तो आप उसको लंबा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो कैसे लगा आपको मेरा ये आइडिया, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ। तो आगे मैं इसको बताऊँगी आपको कि कैसे है जो ये बॉर्डर बनके तैयार होता है। देखिए, ये मैं इस साइड का बॉर्डर ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अब मैं इसमें घर है जो बंद कर दूँगी, तो मेरा ये बॉर्डर हो गया कंप्लीट। इसी तरह से मैं ये वाला पोर्शन भी बनाऊँगी, फिर है जो आगे बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फंदे उठा लिए हैं और ये देखिए ये बॉर्डर हो चुका है अलग। अब है जो मैं इसमें बीच बीच में फंदे घटाऊँगी, 12 फंदे, फिर दोबारा से मैं इस तरह का बॉर्डर बनाऊँगी। बॉर्डर बना के मैं, ये मेरा थोड़ा सा छोटा था तो मैं ये 3 इंच तक का बॉर्डर बनाऊंगी, फिर है जो घर बंद कर दूंगी। तो इस तरह से है जो, यदि आपकी स्वेटर में भी कभी कोई प्रॉब्लम आए, तो आप इस तरह से है जो अपना बॉर्डर नीचे का पोर्शन अलग कर सकते हैं, फंदे उठाइए, दोबारा से बनाइए। तो ये न्यू ट्रिक मैं आज आप लोगों के लिए लाई थी। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं भी है जो इसको फर्स्ट टाइम ही बना रही थी इस तरह से कि कैसे बनता है। तो ये बहुत अच्छा, देखिए इसमें पता भी नहीं चलता कि हमने फंदे कहाँ से उठाए, कि ये नीचे से बना है ऊपर से बना है। तो ये देखिए, ये मैंने फंदे उठा लिए, अब मैं जो इस साइड का बॉर्डर भी कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो चुका है मेरा बॉर्डर। देखिए, ये इस तरह से दिख रहा है और ये देखिए, ये मैंने बताया था आपको कैसे इसको हमने नए सिरे से बॉर्डर बनाना शुरू किया। यहाँ से धागा खींच के हमने है जो
फंदे निकाले, फिर है जो सुई में फंदे डाल के फिर मैंने इसमें फंदे करने थे 10-12 फंदे कम, फिर दोबारा से मैंने बॉर्डर इसमें बन के तैयार हो गया। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया। ये जानकारी यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।